सफरे हज के दौरान कई मील पैदल चलना पड़ता है, लिहाजा जरूरी है कि रवानगी से कबल हालत अहराम और आम इस्तेमाल के लिए आरामदेह और मजबूत दो जोड़े जूते साथ रख लें। गैर मायारी जूते पैरों को जख्मी करते हैं। हरम जाते वक्त अपने साथ कपड़े का थैला रखें और मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने जूते इसमें डालकर कमर से लटका लें ताकि बाद में जूते ढूंढने की जहमत से बच सकें। आज़मीन हज याद रखें, सऊदी अरब में हुज्जाज को मुश्तरका रिहायशगाहें दी जाती हैं, जहां पर मुश्तरका वॉशरूम, किचन और एक कमरे में कम अज कम 5 अफराद रिहायश पजीर होते हैं। साथी हुज्जाज के साथ शफकत और एहतराम से पेश आए, जदीद वॉशरूम्स और लिफ्टों का इस्तेमाल सीख कर जाए। खाने के हॉल, कैफेटेरिया, लिफ्ट और बसों में सवार होते वक्त खवातीन और बुजुर्गों को तरजीह दें। लड़ाई झगड़े और बेजा शिकायत से परहेज अल्लाह की खुशनूदी और हज की कबूलियत का बायस है। सफर हज के दौरान कई मील पैदल चलना पड़ता है, लिहाजा जरूरी है कि रवानगी से कबल हालत एहराम और आम इस्तेमाल के लिए आरामदेह और मजबूत दो जोड़े जूते साथ रख लें। गैर मियारी जूते पैरों को जख्मी कर देते हैं। हरम जाते वक्त अपने साथ कपड़े का थैला रखें और मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने जूते उसमें डालकर कमर से लटका लें ताकि बाद में जूते ढूंढने की जहमत से बच सकें। आज़मीन हज कोरोना वबा से बचाव के लिए सऊदीया से मंजूर शुदा डोज जल्द अज जल्द लगवाएं, जो कि सरकारी तौर पर मुयसर है। रवानगी से कम अज कम 10 रोज कबल गर्दन तोड़ बुखार और फ्लू की वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाएं। ये वैक्सीनेशन मुतलका हाजी कैंपों, सरकारी और निजी अस्पतालों से लगवाई जा सकती है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें और दौरान सफर अपने हमराह रखें। आज़मीन हज याद रखें, सऊदी अरब में खुली अद्वियात खसूस ख्वाब आवर अद्वियात ले जाना मना है। मखसूस बीमारियों मसलन ब्लड प्रेशर, दिल, शुगर, जोड़ों के अमराज के लिए जरूरी अद्वियात का अंदराज हाजी कैंपों या मुस्तनद डॉक्टर के जरिए वजारत के जारी करदा इलाज के किताबचे में जरूर करवाएं। हाजी कैंपों से अद्वियात की तस्दीक और पैकिंग जरूर करवा लें ताकि चेकिंग के दौरान जहमत का सामना न हो। आज़मीन हज याद रखें, सऊदी अरब में हुज्जाज को मुश्तरका रिहायशगाहें दी जाती हैं, जहां पर मुश्तरका वॉशरूम, किचन और एक कमरे में कम अज कम 5 अफराद रिहायश पजीर होते हैं। साथी हुज्जाज के साथ शफकत और एहतराम से पेश आए, जदीद वॉशरूम्स और लिफ्टों का इस्तेमाल सीख कर जाए। खाने के हॉल, कैफेटेरिया, लिफ्ट और बसों में सवार होते वक्त खवातीन और बुजुर्गों को तरजीह दें। लड़ाई झगड़े और बेजा शिकायत से परहेज अल्लाह की खुशनूदी और हज की कबूलियत का बायस है।